नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एवी स्टार न्यूज की मुहिम रंग लाई और एक प्रतिबंधित संगठन जो अपने आप को मुस्लिम समुदाय और विशेष करके पसमांदा मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए समर्पित बता रहा था, उसकी एक एक कलई जब खुलने लगी उसके बाद ये साबित हो गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात PFI इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के तहत जिस तरीके की तैयारी कर रही थी और समाज सुधार के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा था वो पूरी तरह गैर कानूनी था और संवैधानिक प्रावधानों से हटकर हर एक नियम कानूनों को एक तरह से ढाल की तरह खड़ा करके PFI ने किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत किया, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। बात 2006 के बाद 2010 से शुरू होती है और 2014 आते आते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया प्रतिक्रियावादी ताकतों में एक ऐसे संगठन के रूप में देश के सामने आई जब इस देश में बाकायदा इस बात की चर्चा हुई और एक समुदाय विशेष को, विशेषकर मुसलमानों को, ये डर पैदा करने की एक कवायद की गई कि उनके साथ हिंदुत्व के नाम पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और तब PFI की गतिविधियां और तेजी से बढ़ी, लेकिन PFI को ये पता नहीं था, उनके संगठन से जुड़े लोगों को, कि आखिर में उस संगठन का एक दशक पुराना जो इतिहास है और जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके के फंडिंग का इस्तेमाल कर केरल से उठी चिंगारी तमिलनाडु और कर्नाटक होते हुए पूरे देश को जिस तरह से अपने आगोश में लिया है वो दिल को दहला सकता है, आपको मुश्किलों में डाल सकता है, क्योंकि PFI के मंसूबे इस देश के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, हर एक नियम के हिसाब से पूरी तरह से असंवैधानिक, गैर कानूनी रहे हैं। पूरा इतिहास हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि राष्ट्र के लिए अगर कोई जरूरी है तो हम उसे मुहिम के तौर पर देखते हैं और PFI को लेकर के, उसके इतिहास को लेकर के और उसके क्रियाकलापों पर बाकायदा एवी स्टार न्यूज ने विधिवत एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। और उसके बाद जब ताबड़तोड़ दो राउंड के छापे पूरे देश में मारे गए, जिसमें साउथ से लेकर के नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर एक जगह पर उनके ठिकानों पर छापे मारे गए, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए, संगठन से जुड़े कुछ बड़े कार्यकर्ता और नेताओं के, उनके नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद सब कुछ सामने आया। और केरल में तो यह स्थिति दिखी कि उन्होंने सरकार को एक दिन के लिए जाम की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। और तब ये केरल में भी बात उठी जहां पर वामपंथी सरकार है और उस बात की जानकारी हम आपको एक दशक से लेकर के आज तक के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं कि वहां की सरकार को बाकायदा हाईकोर्ट को बताना पड़ा कि PFI और उससे जुड़े संगठन, विशेष करके SDPI, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कतई उचित नहीं है उनका वजूद में रहना। लेकिन सवाल यह है कि फिर सरकारें अब तक करती क्या रहीं, और अगर इस संगठन पर बैन लगाया गया तो एवी स्टार न्यूज की तरफ से एक बड़ा सवाल है कि फिर 5 साल का ही क्यों। हम इस मुद्दे पर एक विधिवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसकी मुहिम चलाएंगे कि जो संगठन राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त दिखा उस संगठन को सिर्फ 5 साल के लिए बैन क्यों किया गया। यह सवाल एवी स्टार न्यूज बराबर उठाता रहेगा तब तक जब तक इस संगठन पर इसके इस क्रियाकलापों को देखते हुए आजीवन प्रतिबंध न लगा दिया जाए। हम आपको बता दें कि यह वही संगठन है जिसमें सीमी पर जब बैन लगा, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट जो फ्रंट बना था, विशेष करके उसमें पढ़े लिखे युवा मुस्लिम उसमें शामिल होते थे, जब उन पर प्रतिबंध लगा तब SDPI और PFI वजूद में आए, और न सिर्फ वजूद में आए बल्कि साउथ इंडिया में एक गुप्त मुहिम चलाई और तब भी PFI के बारे में समय समय पर जानकारी दी गई, क्योंकि यह संगठन राष्ट्रवादी संगठन की नकल करके उसके तौर तरीके से समाज सुधार के नाम पर राष्ट्र विरोध को हवा दे रहा था। और अब जाकर के जब बैन लगा है
तब ये साबित हो पाया कि आखिर में किस तरीके से ये संगठन और इससे जुड़े लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों का, विशेष करके गल्फ के देशों का, वहां से आए गलत तरीके से हवाला के जरिए के पैसों से ये अपने आप को मजबूत कर सके और संस्थाओं को चलाने के नाम पर इन्होंने मुस्लिम युवाओं को बरगलाने का काम किया है। एवी स्टार न्यूज ने बाकायदा इस पर पूरी की पूरी टिप्पणी की है, इस पर जानकारी दी है और आज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर ले चलते हैं और बताते हैं कि आखिर में ये जो बैन लगा है इसके मायने क्या है और अगर ये बैन 5 साल का है तो फिर ये कितना बेमानी होगा कि इस पर आजीवन प्रतिबंध न लगाया जाए, इस बात की मुहिम न छेड़ी जाए। ये आप देखिए, खुल गया पीएफआई के गुनाहों का काला चिट्ठा। केंद्र सरकार ने 5 साल का बैन लगा दिया है, इसकी घोषणा की जा चुकी है। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर बैन है। हम आपको एसडीपीआई के बारे में बताए हैं, तमिलनाडु में भी एक संगठन सक्रिय है। छापेमारी के बाद जांच एजेंसियों ने बैन की मांग की थी और ये देश में एक मुहिम सी चल पड़ी थी कि इस संगठन पर बैन क्यों ना लगाया जाए। आईसिस जैसे आतंकी संगठनों से लिंक के प्रमाण मिल चुके हैं। हालांकि प्रतिक्रियावादी ताकतें इसको मुस्लिम समुदाय से जुड़े संगठनों और उनके कार्यकर्ताओं को परेशान करने की नजर से देख रही है। विशेष समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था पीएफआई, इसके प्रमाण मिल चुके हैं और उन प्रमाणों की फहरिस्त है। हम आपको बता दें, संवैधानिक प्राधिकार और संवैधानिक ढांचे के प्रति निरादर का भाव पैदा कर रही थी पीएफआई और इसके लिए बाकायदा वो तकरीर और कई ऐसे छोटे सभाओं का आयोजन करते थे जिसमें यूथ्स को वो बरगलाते थे। देश में उग्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश हमेशा से पीएफआई की रही और ये केरल जैसे शांत प्रिय राज्य से इनकी पूरी गतिविधियां पहले चली, उसके बाद पूरे देश में फैला और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की इनकी बड़ी साजिश हुआ करती थी जिसमें इसमें पोस्टर, बैनर और तमाम तरह के सोशल मीडिया के साधनों का उपयोग करके ये देश के युवाओं को बरगलाने का काम करते रहे हैं। पीएफआई के कुछ फाउंडर मेंबर सिमी के नेता, हमने आपको पहले बताया कि जब सिमी पर बैन लगा तो उसके पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल विंग के लोग पीएफआई से जुड़ गए और पीएफआई का जमातुल मुजाहिदीन, ये बांग्लादेश का एक उग्रवादी और कट्टरपंथी संगठन है, उससे लिंक बताया गया। बैंकिंग चैनल, हवाला, दान के जरिए फंडिंग है और इनके दान और फंडिंग का जो तौर तरीका था वो भी हम आपको बताएंगे कि वो कितना दिलचस्प हुआ करता रहा है। पैसों को वैध दिखाने के लिए, उसको लीगल दिखाने के लिए ये कानून का सहारा लेते थे। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कानून के जो लूप होल्स हैं उसका फायदा ये लोग उठाते थे। अन्य धर्मों का पालन करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों की निर्मम हत्या करने का भी काम ये करवाते थे, हमने इसकी जानकारी दी। और केरल और कर्नाटक में कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या में पीएफआई के लोगों का हाथ बताया गया। प्रमुख लोगों, जगहों को निशाना बनाना और विस्फोटकों को इकट्ठा करवा के रखना ताकि समय आने पर उसका उपयोग किया जाए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग दिया करते थे। एक कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटा है, ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था जो रूह को कपा देने के लिए काफी है। हाथ काट लिया था और ये खबर बहुत चर्चा में आई थी। तमिलनाडु के वी रामलिंगम की हत्या में भी इनका हाथ है, ये सारे प्रमाण मिल चुके हैं और इससे जुड़े मुकदमे भी चल रहे हैं। केरल के नंदू की हत्या में पीएफआई का हाथ है और ये सारे वो मामले हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के आर रुद्रेश और प्रवीण पुजारी की हत्या में इनकी संलिप्तता है, ये कुछ मामले जो आप देख रहे हैं उसके प्रमाण मिल चुके हैं। तमिलनाडु के इन जगहों पर इनकी गतिविधियां चल रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 5 साल का इनका जो बैन है वो किस तरीके से प्रभावी है, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट और रिहैब फाउंडेशन केरल, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन, ये संगठन हैं, इन पर शिकंजा कसा जा रहा है और ये सब तमिलनाडु और केरल में विशेष रूप से सक्रिय हैं और ये बैन है, पूरी तरीके से ये बैन कर दिए गए हैं क्योंकि ये सहयोगी संस्थाएं थीं। विरोध प्रदर्शन, सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस अब नहीं कर सकता पीएफआई। जब ये बैन लग गया है तो ये स्थितियां अब हैं, ये कोई प्रदर्शन में अगर इनके संगठन के लोग जुड़े होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डोनेशनल एक्सरसाइज,
प्रकाशन का काम पीएफआई अब नहीं कर सकती अपने, क्योंकि इनके बाकायदा लेटर हेड लेटर पैड हुआ करता था। पीएफआई की हर गतिविधि मानी जाएगी गैर कानूनी, क्योंकि अब प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार को। हम आगाह करते हैं कि इस तरह का बैन सिमी पर भी लगाया गया था और यूपीए सरकार के दौरान लगाया गया था, लेकिन तब सिमी ने किस तरीके से पीएफआई में अपने को कन्वर्ट किया, यह भी किस्सा बेहद दिलचस्प है जो हम आपको बाद में बताएंगे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ये बेहद सख्त कानून है। राष्ट्र विरोधी तत्वों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है इसके माध्यम से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है पीएफआई से जुड़े लोगों पर। ट्रैवल बैन का भी एक बहुत बड़ा पहलू जुड़ा हुआ है। ये बैन लगाया जा सकता है कि ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, यहाँ तक कि एक राज्य से दूसरे राज्य के पर मूवमेंट भी नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट और संपत्ति को सीज किया जाएगा और करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो संगठन बैन हो जाता है फिर उसका कोई अकाउंट नहीं चल सकता। और अब ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, किसी तरीके का कोई सामग्री ये वितरित नहीं कर सकते अपने लेटर हेड पर अपने नाम से। तो ये दो राउंड में जो छापेमारी हुई, हम आपको बता दें कि किस किस तरह की चीजें मिली, बंग बम नेविगेटर, बड़ी मात्रा में कैश, ये सब इनके कार्यालयों से उन स्थानों से मिले हैं। बम बनाने की गाइड मिली है और यहां तक कि फुलवारी शरीफ बिहार से एक साहित्य मिला है जिसमें 2047 तक भारत को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा वो भी जानकारी दी गई है, और उसमें पीएफआई का हाथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, उनकी संलिप्तता थी, इसकी जानकारी मिल चुकी है। शॉर्ट कोर्स ऑन हाउ टू मेक आईईडी यूजिंग इजली अवेलेबल मटेरियल, ये किताब बरामद की गई है। हम आपको बता दें ये जो किताब मिली है ये जमातुद दावा पाकिस्तान से संपर्क के कारण हुआ है। सर्विलांस उपकरण मिले हुए हैं। अब आप सोचिए किस तरीके से ये कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा हाईफाई कर रहे थे, ये हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जो छापेमारी में, देशव्यापी छापेमारी में मिली है। दो लॉरेंस LHR-80 GPS वाला रेडियो एंड नेविगेटर डिवाइस, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे ये अंतरदेशीय स्तर पर अपने संपर्क को कायम करते और उसके आधार पर आतंक के साये को और ज़्यादा गहरा करते। जिहाद के विजन 2047 से जुड़ी किताबें, ब्राउजर्स और सीडी जो हमने आपको पहले भी बताया, ये इनके पास से मिल चुकी है, उसकी जानकारी मिली हुई है। 22 और 27 सितंबर को ये जो छापेमारी हुई है, दो राउंड की छापेमारी में ये बरामदगी दिखाती है कि कैसी तैयारी थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 गिरफ्तारियां हुई, ये आधिकारिक प्रमाण हम आपको एविस्टा न्यूज के माध्यम से दे रहे हैं। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 गिरफ्तारियां की गई जो पूरे देश से की गई हैं, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और किन राज्यों ने बैन की मांग की थी, और ये मांग आज की नहीं, उत्तर प्रदेश कर्नाटक ये दो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, इन्होंने बैन की मांग की थी। गुजरात में पीएफआई संगठन के हालांकि सक्रियता नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत ही सख्त जो है पुलिसिंग व्यवस्था के तहत ये संगठन अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। कर्नाटक हमने आपको बताया, गुजरात कर्नाटक उत्तर प्रदेश, ये तीन ऐसे राज्य हैं जिन्होंने खुले तौर पर मांग की। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं और जरा सुनिए कि पक्ष और विपक्ष अभी भी पीएफआई को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। कांग्रेस के सांसद हैं और इनका बयान आप देखिए, इन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की है और यही कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की एक रणनीति है। अब इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा कि क्या आरएसएस और पीएफआई को एक कैटेगरी में रखते हैं, अगर हां तो फिर
पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने आरएसएस की तारीफ की थी, इसका जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा कि आखिर में उन्होंने क्यों किया था, जबकि उन्हीं के सांसद कोडिकुन्नल सुरेश ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएफआई और आरएसएस को एक समान बता रहे हैं और आरएसएस का काम हिंदू सांप्रदायिकता फैलाना है। कम से कम इस बयान से तो आपको स्पष्ट लग गया होगा कि वो मानते हैं कि पीएफआई सांप्रदायिकता फैला रही है, इतना तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि मजबूरन वो आरएसएस और पीएफआई को एक साथ रखना चाहते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के बिदक जाने का जो पहले ही बिदका हुआ है, बड़ा खतरा और डर कांग्रेस को सता रहा है। इस पे अजय मिस्टर टेनी जो गृह राज्य मंत्री, उन्होंने क्या बयान दिया वो आप भी सुन सकते हैं। पीएफआई के खिलाफ सबूतों के आधार पर फैसला लिया गया है, आने वाले समय में जैसा इनपुट मिलेगा वो कार्रवाई की जाएगी। ये गृह राज्य मंत्री टेनी, अजय मिस्टर टेनी का बयान है। ये खतरनाक लोग हैं तभी तो इनको बैन किया गया है। हालांकि लोग शब्द का इस्तेमाल गृह मंत्री ने किया है ऐसा नहीं है, चूंकि संगठन से जुड़े लोग हैं, जो भी है संगठन और इस संगठन की जो सोच है वो गलत है, जिसका कोई भी देश का निवासी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एनआईए की ओर से सबूतों के बारे में जानकारी दी जाएगी और ये जानकारी अब एनआईए अपने वेबसाइट पर भी डालेगा, ये हम आपको एक नई जानकारी बता रहे हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा से देश विरोधी ताकतों के बयान में खुल करके आ जाते हैं। खैर, इन राजनीतिक बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एवी स्टार न्यूज इतना जरूर कहता है कि जिस तरीके की गतिविधियां पीएफआई ने चलाई उसके खिलाफ हमारी मुहिम ये रही कि इस संगठन और संस्था, इससे जुड़े जितनी भी संस्थाएं हैं उनके खिलाफ इसलिए प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि केरल जैसा शांत प्रिय राज्य जहां 96% से अधिक के लोग साक्षर हैं, उस राज्य में पीएफआई इस्लामिक राष्ट्र के पूरे सपने बुन रही थी। फिर सवाल ये उठता है, जो इन दिनों अखबारों में, टीवी चैनल्स पर और तमाम सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि जब इस्लामिक राष्ट्र की सोच राष्ट्र विरोधी है तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात कैसे की जा सकती है? इसका जवाब हम आपको बताते हैं, जो समझना चाहिए और एक बार समझने की कोशिश करिएगा तो उसके मायने साफ हो सकते हैं। और वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले संघ प्रमुख की मुलाकात इमाम संघ के अध्यक्ष के साथ हुई थी दिल्ली में। इस बैठक के बड़े मायने निकले थे और तब ये कहा गया था कि भारत के सभी लोगों के डीएनए के संदर्भ में जो आरएसएस की सोच वो ये है कि इबादत करने का तरीका हमारा अलग हो सकता है, जिसमें कोई अपने को हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन या ईसाई मानता है, लेकिन जब देश का मामला आता है तो वहां सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम अगर हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये राष्ट्र विरोध नहीं है। और इसी आधार पर पीएफआई के सामने एक बड़ा जवाब ये है कि ये देश इस्लामिक राष्ट्र नहीं हो सकता क्योंकि इस्लामिक सिद्धांत पूजा पद्धति की ओर संकेत करता है, जबकि हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा सिर्फ जीवन पद्धति के बारे में बताती है। और यही वो अंतर है जो शायद कट्टरपंथियों और गलत सलाह में आए वो इस्लामिक स्कॉलर्स जो पीएफआई से जुड़ गए, अगर वो ये तर्क रखते हैं तो इस बात का और इस तथ्य का उनके पास जवाब है तो उन्हें देने के लिए आगे आना चाहिए। एवी स्टार न्यूज उन्हें चुनौती देता है कि अगर इस पर वो चर्चा करना चाहते हैं उनके विचारक तो वो आ सकते हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बहरहाल अब हम आपको कुछ और ग्राफिक्स पर ले चलते हैं। और हमने आपको बराबर किस तरीके से छापेमारी की गई, किस तरीके का इनका इतिहास है, वो सब कुछ हमने बताया है। अब हम ग्राफिक्स के अगले पॉइंट्स पर आपको लेकर चलते हैं। 5 साल का जो बैन लगाया गया है उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से इनकी गतिविधियों को बैन किया गया, बैन करने के पीछे का रीज़न क्या था, इनके पास से जो साहित्य बरामद हुआ, इनसे जुड़े कितने संगठनों पर और संस्थाओं पर बैन किया गया है और उनके बैन किए जाने के पीछे की रणनीति क्या है, क्योंकि गलत तरीके से और देश विदेश से आए उस फंडिंग को रोकना और उनको सीज करना और उसके बाद कोर्ट में बाकायदा इसके एविडेंसेस भी प्रस्तुत करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इसी आधार पर जब प्रमाण मिले तब केंद्र सरकार के पास बैन के अतिरिक्त और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से केरल में जब
ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद केरल के पूरे सरकार की गतिविधि को एक दिन के लिए पीएफआई ने अपने हंगामे से रोक दिया था। और तब केरल में जहां वामपंथी सरकार है और उस समय राहुल गांधी वहां पर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उनको भी रोकना पड़ा था। ये सिंपैथी गेन करना था या सिंपैथी देना था ये तो कांग्रेस और राहुल गांधी जाने, लेकिन उन्होंने भी यात्रा रोक दी थी क्योंकि पीएफआई ने पूरे राज्य में वो हंगामा खड़ा किया था जिसका जवाब वहां की पुलिस भी नहीं दे पा रही थी। और ये सारे इतने सबूत मिलने के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद केंद्र सरकार के पास एक बहुत बड़ा आधार मिला और वो ये कि जो वर्षों से मांग चल रही थी कि पीएफआई पर बैन किया जाए, उसे बैन कर दिया गया और वो बैन की अवधि है 5 साल के लिए। लेकिन एवी स्टार न्यूज अब भी सवाल उठाता है कि अगर इस संगठन पर बैन लगाया गया है तो फिर 5 साल का बैन क्यों? सवाल यह है कि इस तरीके के संगठन को अगर 5 साल के लिए बैन किया गया है तो इसके बड़े मायने हैं जिसपे आने वाले समय में प्रतिक्रियावादी ताकतें और कट्टरवंती ताकतें पूरे के पूरे राजनीतिकरण पर चर्चा करेंगी कि केंद्र सरकार चूंकि हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है इसलिए मुस्लिम समाज के विकास और विशेष करके पिछड़े और गरीब मुसलमानों के विकास के लिए आगे आई संस्था पर बैन किया गया है, और 5 साल के लिए इसलिए बैन किया गया है क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि पीएफआई पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की एक बड़ी तैयारी कर ली गई है और उसके पीछे ये है कि एनआईए के पास जो एविडेंस हैं अब वो कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, और जब कोर्ट में ये सब कुछ साबित हो जाएगा और सारी प्रक्रियाओं से ये साबित होगा कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से इस देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हुए सांप्रदायिक उन्माद पैदा करते हुए इस देश में हिंदू बनाम मुस्लिम की एक ऐसी लड़ाई छेड़ने की बड़ी साजिश थी, और उससे जुड़े उनके खातों की जब जानकारी सामने आएगी उसके बाद आतंक और आतंकी संगठनों से क्या जुड़ाव रहा है उसके प्रमाण मिल जाने के बाद इस संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, और वो ये होगी कि इस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा। तब तक 5 साल के पहले ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होंगी, इसलिए एवी स्टार न्यूज के माध्यम से हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, और वो ये कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन और संस्थाओं के खिलाफ अब और सघन अभियान चलाया जाएगा। और केरल और कर्नाटक में जिस तरीके से इसकी जड़ें गहरी हुई हैं और यूपी जैसे राज्य में जहां कुछ खित्तों में कुछ एरियाज में कट्टरपंथी प्रभावी हैं, जन जन तक ये कैसे पहुंचा है पीएफआई, उसकी पूरी की पूरी कमर तोड़ने की एक बड़ी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा है। और इस संदर्भ में जब कांग्रेस नेता का एक बयान आता है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसके मायने समझिए कि कांग्रेस अब भी तुष्टीकरण की नीति के तहत पीएफआई को मानती है कि पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए, लेकिन आरएसएस को। सवाल यह है कि क्या आरएसएस राष्ट्र विरोधी शक्तियों के दायरे में आती है? क्या आरएसएस इस देश को किसी अन्य राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने की बात करती है? क्योंकि फिर सवाल यही होगा कि आरएसएस भी कहती है हिंदू और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाए, जबकि इमाम संघ की बैठक में एक मस्जिद में संघ प्रमुख गए तो उन्होंने कहा हिंदू और हिंदुत्व हमारे विचारधारा और हमारे डीएनए को मजबूत करते हैं, हमारे इबादत करने के तौर तरीके अलग हैं, लेकिन उसके आधार पर हम इस देश को इस राष्ट्र को खंडित नहीं होते देखना चाहते, इसलिए इस्लामिक राष्ट्र की परिकल्पना के आधार पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देकर पीएफआई केरल जैसे राज्य को जिस तरीके से खतरे में डाल चुकी है और अब इसकी जड़ें उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यहाँ तक कि मणिपुर तक में इनकी हनक और इनकी पहुंच हो चुकी थी, उसको खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती का सामना करने के लिए फिलहाल 5 साल के लिए बैन किया गया है, लेकिन एनआईए के ताबड़तोड़ छापेमारी और इनके
सदस्यों के गिरफ्तारियों के बाद जो नई नई जानकारियां मिल रही हैं उसके आधार पर जब कोर्ट से इनके सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई होगी उसके बाद आजीवन प्रतिबंध की भी एक मुहिम चलेगी और ये मुहिम हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इस संगठन पर आजीवन प्रतिबंध नहीं लगा दिया जाता। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।